नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। 9 नवंबर 2000 के दिन राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान के बाद हमें उत्तराखंड का अपना राज्य मिला था, पर क्या हम आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बना पाए हैं जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे शहीदों ने जो सपना अलग राज्य के लिए देखा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। गैरसैंण को प्रदेश की अस्थाई राजधानी बनाने से लेकर सस्पेंस आज भी बना हुआ है। आज भी मुजफ्फरनगर यानी कि रामपुर, तिराहा, खटीमा, मसूरी गोलीकांड के दोषियों को सजा नहीं मिली। देखिए उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तारीख 9 नवंबर साल 2000, यही वो दिन था जिस दिन उत्तराखंड देश के मानचित्र पर उदय हुआ, एक अलग राज्य की कल्पना पूरी हुई। यही वो तारीख थी जिस दिन राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार हुए। एक लंबे संघर्ष और बलिदानों की बदौलत उत्तराखंड की अलख पूरी हुई। मगर क्या जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो जंग लड़ी गई वो सपना साकार हो पाया? पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, क्या आंदोलनकारियों को सम्मान मिल पाया? उत्तराखंड की पहली मांग सबसे पहले साल 1897 में उठी, जिसके बाद घटित हुई कई घटनाओं के बाद ये मांग धीरे धीरे और मजबूत होती चली गई। फिर आया साल 1994। इस साल एक अलग राज्य की मांग ने अंत में एक जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके बाद 25 अगस्त साल 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होते के साथ ही लंबे समय से चली आ रही ये मांग भी पूरी हुई। और फिर 9 नवंबर 2000 को यह सपना पूरा हुआ। मगर साल 2000 से 2006 तक शुरुआती समय में इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता रहा, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 9 नवंबर यानी आज ही की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के रूप में दर्ज है। आज उत्तराखंड का निर्माण हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं। आज उत्तराखंड अब जवानी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, मगर सवाल ये कि क्या वो सपना साकार हुआ जिसके लिए कुर्बानियां दी गई, शहादत दी गई, या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ के तले वो सपने कुचल दिए गए जो सपने कभी खुली आंखों से राज्य आंदोलनकारियों ने देखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। वहीं उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। वहीं प्रधानमंत्री के साथ आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना। राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार अग्रसर है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य का आज स्थापना दिवस है और ऐसे में स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने भी ट्वीट कर राज्यवासियों को बधाई दी। साथ ही आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर देहरादून में शहीद स्मारक
पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना। राज्य आंदोलनकारियों के अपने सपनों के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार अग्रसर है। मसूरी में हुआ था और अक्टूबर में जो है हमारे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो मैंने देखा है कि नज़दीक से हमारे जो शहीदों के सपने थे, जो हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाओं के अनुरूप, हमारे शहीदों के समूह उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं सारे अपने जितने भी उत्तराखंड के अमर शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूं और आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ से काठ गोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग को ही हो रही दुर्दशा के खिलाफ कांग्रेसियों के साथ गौरा पड़ाव में मौन उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने खल्दू चौड़ में पैदल मार्च कर शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बिंदु खत्ता में आपदा पीड़ितों का दर्द जाना। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों के साथ गौरा पड़ाव पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रपुर टू काठ गोदाम की दुर्दशा पर मौन उपवास रखा, जिसके बाद वो खल्दू चौड़ पहुंचे और कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा, कांग्रेस के शासनकाल में सुरक्षित अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं होने के खिलाफ खल्दू चौड़ चौराहे से डूंगरपुर शहीद स्मारक तक उन्होंने पैदल मार्च किया। तो तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें, हरीश रावत ने गौरा पड़ाव में मौन व्रत रखा। साथ ही आपको ये भी बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा को देखते हुए ये धरना प्रदर्शन दिया। तस्वीरें देख सकते हैं कि हरीश रावत मौके पर पहुंचे और ऐसे में उन्होंने ये धरना प्रदर्शन दिया। उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इक्कीसवें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने और राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अभी जवान हुआ है, तो राज्य में अभी बहुत सा विकास ऐसा है जो सरकार को पूरा करना है और जिसकी जनता को आशा भी है, लेकिन अब तक सरकार मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर पूरा जोर देती आई है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं लेकर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें, जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो जो गति थी उसमें प्लान में, उसमें हमने काफी रोकने का काम किया है और आज मैं, मुझे तो खुशी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने काम करके यहाँ पर जो कोविड काल में जो लोग लौट के आए थे उनको भी काफ़ी लोगों को रोकने में हम सफल हुए और तमाम ऐसी सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं जो नौजवानों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि आज इस राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। जब तक स्वरोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकता, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं ताकि ये राज्य ये आत्मनिर्भरता के साथ पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था, जिसके चलते आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने उत्तराखंड के विकास को लेकर उत्तराखंड वासियों और आंदोलनकारियों की राय जानी। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। आज जो है पूरा उत्तराखंड जो है स्थापना दिवस जो है मना रहा है और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है इस समय जो है भरारी सैंड में पहुंची हुई है, तो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो जिस तरह से जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे स्थापना दिवस जो है किस तरह से जो है इस समय पूरा उत्तराखंड मना रहा है, हमने आपको दिखाने की कोशिश करी कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चकाचौन जो है भरारी सैंड जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसको यहाँ पे सजाया गया है। प्रशासन की अगर व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस नज़र आ रही है, देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 20 साल का आज जो है पूरा उत्तराखंड जो है 20 साल का पूरा हो चुका है और अपने 21वें साल में प्रवेश कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जो समस्या है राजधानी को लेकर जो है अभी तक जो है उत्तराखंड को जो राजधानी नहीं मिल पाई है, मूल राजधानी नहीं मिल पाई, उसको लेकर जो प्रयास जो है चाहे वो आंदोलनकारी रहे हों, चाहे वो वर्तमान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, तमाम सारी जो विकास की अगर मैं बात करूँ तो विकास तो अब चुनावी साल भी है तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो तमाम सारे दावे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है 21वें वर्ष में जो है हमारा उत्तराखंड जो है प्रवेश कर रहा है। तो हम सीधे सीधे भरारी शहर से आपको जो है एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है एक खुशी की लहर जो है चाहे आंदोलनकारी हो चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो या कर्मचारी हो सबको यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब 21वें वर्ष में आने वाले समय में पता चल पाएगा कि उत्तराखंड किस तरह से अपना प्रगति रिपोर्ट या प्रगति काल जो है देखने को मिलेगा। और आज जो है पुष्कर सिंह धामी का जो यहाँ पे दौरा भी है और यहाँ पे जो क्या सौगातें जो है पूरे उत्तराखंड को यहाँ पे मिल पाती है ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। पुष्कर सिंह नेगी, न्यूज़ ऑल इंडिया, चमोली। देखिए आज हम हरिद्वार स्थित देवपुरा चौक पर हैं और आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है। उत्तराखंड को 21 साल हो चुके हैं। आइए जानते हैं हमारे साथ कुछ समाज से भी हैं कि उत्तराखंड में 21 सालों में कितना विकास हुआ है। 21 साल का बेटा जवान हो गया है, माँ बाप को बड़ी खुशी हुई है कि 21 साल का बेटा है, लेकिन उसके माँ बाप को दुख भी है कि 21 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेटा जवान हुआ और बिना रोज़गार के घूम रहा है। तो उत्तराखंड बना इसकी सबको शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हरिद्वार जैसे क्षेत्र में भी हरिद्वार में नशाखोरी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत बधाई उत्तराखंड वासियों को स्थापना दिवस की, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। देखिए और भी हमारे साथ कुछ समाज से भी है, आइए उनसे जानते हैं 21 साल में कितना उत्तराखंड में विकास हुआ है। आज उत्तराखंड 21 साल का हो गया है तो कितना विकास उत्तराखंड में। पहले तो आपके माध्यम से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस होने पर सम्मानित सभी जनता को शुभकामनाएं बधाई। दूसरा, जो विकास उत्तराखंड के लिए सोचा गया था ऐसा विकास तो उत्तराखंड में हुआ ही नहीं। आज उत्तराखंड की जनता जो दुभर क्षेत्रों के अंदर रहती है वो आज पलायन को वहाँ से विवश है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, चाहे उसमें सरकारें कोई भी रही हों, लेकिन इस ओर अगर ध्यान देती तो वहाँ से पलायन नहीं होता और विकास होता। लेकिन विकास तो सिर्फ नाम का रह गया, विकास कहीं कुछ नहीं हुआ। विकास सिर्फ हुआ है तो अवैध धंधों का, नशों का, इनका विकास जरूर हुआ है, जिस ओर जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आज के मंत्रियों को जाकर बाकायदा जनप्रतिनिधि ज्ञापन भी दे रहे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी ज्ञापन दे रहे हैं, किंतु इस दौर कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने उत्तराखंड के विकास के बारे में बताया, जैसे कि इन्होंने बताया कि अवैध धंधों का विकास हुआ है, उत्तराखंड में कुछ भी विकास ऐसा नहीं हुआ है जिनको जनता को लाभ मिले। कैमरा पर्सन के साथ मैं ऋषभ चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।